नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे चंपई सोरेन, आज लेंगे शपथ। हेमंत सोरेन की ईडी के हाथों गिरफ्तारी के बाद झारखंड में सियासी संकट के बाद देर शाम छट गए, जब राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विधायक दल के नेता चंपई सोरेन को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रण दे दिया। चंपई नए मुख्यमंत्री के तौर पर शुक्रवार को शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के बाद उन्हें 10 दिन के अंदर बहुमत साबित करना होगा। इससे पहले झारखंड में पूरे दिन सियासी उठापटक जारी रही। झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन की ओर से चंपई को नया नेता चुन लिया गया, फिर भी राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया था। चंपई के शपथ ग्रहण पर असमंजस के बीच महागठबंधन के विधायकों को एकजुट रखने के लिए भी मकसद की जाती रही। बता दें, विधायकों को तोड़ने की गुंजाइश खत्म करने के लिए महागठबंधन के 38 विधायकों को गुरुवार को 2 विशेष विमान से हैदराबाद भेजने की तैयारी थी, मगर मौसम उसमें बाधक बना। रांची के सर्किट हाउस में रुके सत्ता पक्ष के विधायक गुरुवार को झारखंड की राजधानी रांची से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद रवाना होने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर चार्टर्ड प्लेन में 33 विधायक हैदराबाद जाने के लिए काफी देर बैठे रहे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उड़ान रद्द हो गई। वे हैदराबाद नहीं जा सके और वापिस सर्किट हाउस लौट आए। बन्ना गुप्ता ने कहा कि मौसम खराब होने के कारण वापस लौटना पड़ा। इससे पहले रांची के सर्किट हाउस से बस के जरिए गठबंधन दलों के विधायक रांची एयरपोर्ट पहुंचे थे। इनके पहुंचने से पहले एयरपोर्ट पर 2 चार्टर प्लेन तैयार थे। हैदराबाद जाने वाले विधायकों में झामुमो कांग्रेस राजद व भाकपा माले के विधायक शामिल थे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की खबर सुनकर झामुमो कार्यकर्ता वीरेंद्र हंसदा की मौत। हेमंत सोरेन पर ईडी की दबिश, इस्तीफा और फिर उनकी गिरफ्तारी की सूचना पर धनबाद के पूर्वी टुंडी के सोनोत संथाल समाज के प्रखंड कोषाध्यक्ष व झामुमो के सक्रिय कार्यकर्ता केंदुआ टांड निवासी वीरेंद्र हंसदा 40 वर्षीय के हार्ट अटैक से बुधवार की रात मौत हो गई। सुबह परिजनों ने इसकी सूचना टुंडी विधायक मथुरा को फोन कर दी है, लेकिन रांची में रहने के कारण वह आ नहीं सके। परिजनों ने शव को शमशान घाट में दफना दिया है। हंसदे के बाद गांव में शोक की लहर है। आपको बता दें कि जमीन घोटाले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी की रात में गिरफ्तार किया था। गुरुवार को ईडी कोर्ट में पेशी के बाद होटवार जेल भेज दिए गए हैं। झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर है चंपई सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन के इस्तीफा के बाद चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता बनाया गया। चंपई झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर नेता हैं, जिन्हें हेमंत सोरेन का यम मैन माना जाता है। सियासत में चंपई को झारखंड टाइगर के नाम से मकबूलियत मिली है। खेती किसानी करने वाले चंपई इस नाम से कैसे मशहूर हो गए, आइए जानते हैं। दरअसल झारखंड में सरायकेला खरसावां जिले के जिली गोड्डा गाँव में अपने पिता के साथ खेतों में काम करने से लेकर राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में नाम प्रस्तावित किए जाने तक का चंपई सोरेन का सफर काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। चंपई की उम्र 67 साल है। उनके कद का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई मौके पर हेमंत सोरेन उनका पैर छूते नजर आते हैं। JSSC मुख्यालय पर हिंसक प्रदर्शन, पथराव और मारपीट मामले में 15 नामजद सहित 3000 अज्ञात पर केस। बुधवार को JSSC मुख्यालय में 28 फरवरी को आयोजित JSSC CGL की परीक्षा में प्रश्न पत्र वायरल होने पर परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों द्वारा हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस ने JSSC मुख्यालय का गेट तोड़कर आयोग के अध्यक्ष नीरज सिन्हा पर जानलेवा हमला कर उनकी गाड़ी तोड़ने सहित पुलिस पर पथराव और मीडिया कर्मियों से मारपीट के आरोप में 15 नामजद सहित 3000 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले में चिन्हित लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी और CCTV सहित अन्य माध्यमों से मिली तस्वीर के आधार पर अज्ञात को चिन्हित कर नामजद किया जाएगा। ज्ञात हो कि उग्र छात्रों ने मौके पर पहुंचे आयोग के अध्यक्ष पूर्व DGP नीरज सिन्हा की स्विफ्ट डिजायर कार को रोककर उस पर लाठी डंडे बरसाए और शीशे भी तोड़ दिए हैं। हज यात्रियों को पहली किस्त 9 फरवरी तक करनी होगी जमा। केंद्रीय हज कमेटी ने झारखंड से हज पर जाने वालों को 9 फरवरी तक पहली किस्त के रूप में 81,800 रुपये जमा करने को कहा है। राशि हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई के खाते में जमा होगी। पहली किस्त जमा करने के बाद हज आवेदन पत्र, घोषणा व वचन पत्र जमा, पे इन स्लिप, मेडिकल स्क्रीनिंग एवं फिटनेस प्रमाण पत्र और मूल पासपोर्ट सफ़ेद बैकग्राउंड फोटो रांची के
कॉडरू कार्यालय में जमा करना होगा। हज कमेटी के कार्यपालक पदाधिकारी आफताब आलम ने कहा, हज यात्रियों को सभी दस्तावेज 12 फरवरी की शाम 4 बजे तक जमा करना है। बता दें, झारखंड से 1874 लोग हज पर जाएंगे, इनमें 1065 पुरुष और 809 महिलाएं शामिल हैं। बोकारो में लोन का किस्त भुगतान नहीं करने पर महिला को पीटा। बेरमो अनुमंडल के बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र में महिला समूहों द्वारा संचालित लोन का किस्त समय पर अदा नहीं कर पाने के कारण राजा बाजार निवासी एक 40 वर्षीय महिला इशरत खातून की जमकर पिटाई कर दी गई, जिससे वह बेहोश हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने महिला को DVC के बोकारो थर्मल अस्पताल पहुँचाया, जहाँ इसका इलाज चल रहा है। घायल महिला इशरत खातून ने कहा है कि कपड़ा का व्यवसाय करने के लिए महिला समूह द्वारा संचालित निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से अपने नाम पर 25,000 रुपये एवं गोमिया में रहने वाली ननद जमदा खातून ने 35,000 रुपये कर्ज लिया था। उसने अपना मासिक किस्त का भुगतान कर दिया, जबकि ननद कर्ज के किस्त का भुगतान नहीं कर पाई। इसके लिए उसे बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था। हेमंत की गिरफ्तारी के बाद गोड्डा प्रशासन ने बंद कराया मेला। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के तत्काल बाद गोड्डा जिला प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर शहर में चल रहे मेला को बंद करवा दिया है। बुधवार की रात प्रशासन के लोग आए और लाइट बत्ती बंद कर कहा कि अपनी दुकानों को बंद कर ले, अन्यथा जबरन बंद करवा दिया जाएगा। पूरा मेला बंद करा दिया गया है। इस ऐतिहासिक मेला का आयोजन पिछले 70 वर्षों से किया जा रहा है। शहर के बीचों बीच और नगर थाना से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर लगने वाले इस मेले से कानून व्यवस्था निर्वहन करने में क्या खलल पड़ी, यह तो प्रशासन ही बता सकता है। लेकिन अचानक मेला बंद कर दिए जाने से रोजी रोटी के लिए दूर दराज से आए दुकानदारों स्थानीय लोगों में निराश है। महागठबंधन के नेताओं का बापू वाटिका के समक्ष सत्याग्रह आज। महागठबंधन दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं का 2 फरवरी को मोराबादी मैदान के बापू वाटिका के समक्ष एक दिवसीय मौन व्रत सह सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में महागठबंधन के निर्वाचित नेता चंपई सोरेन, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, राजद विधायक दल के नेता सत्यानंद भोक्ता, विधायक प्रदीप यादव, माले विधायक विनोद सिंह सहित संबंधित दल के नेता और कार्यकर्ता इसमें हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से राजभवन और राज्यपाल के द्वारा बहुमत वाले महागठबंधन को सरकार बनाने का दावा पेश करने के बावजूद शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रण नहीं करने को लेकर ध्यान आकृष्ट कराया जाएगा। JMM के पास बहुमत, चंपाई सोरेन ने विधायकों की कराई परेड। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद झारखंड के CM की कुर्सी खाली है। इस सीट को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपाई सोरेन की विधायक दल का नेता चुना है। चंपाई सोरेन ने झारखंड के राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। बता दें, राज्यपाल ने चंपाई को मिलने के लिए राजभवन बुलाया है। इसी बीच भाजपा की तरफ से यह दावा किए जाने लगा है कि JMM के पास बहुमत नहीं है। भाजपा के दावे को खारिज करने के लिए चंपाई सोरेन ने अपने विधायकों की गिनती का वीडियो बनाया और उसे जारी कर दिया है। झारखंड के संभावित मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन वीडियो जारी करते हुए 43 विधायकों के अपने साथ होने का दावा किया। वीडियो में चंपाई सोरेन के साथ विधायकों ने लाइन से अपने नंबर का ऐलान करते हुए बहुमत का सबूत दिया है। जेल में बीतेगी हेमंत सोरेन की रात, न्यायिक हिरासत में भेजे गए। झारखंड में सियासी हलचल तेज है। इसी बीच राज्य के कथित जमीन घोटाला मामले में JMM नेता हेमंत सोरेन को PMLA कोर्ट में पेश किया गया। ED ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया था। अदालत ने अब हेमंत सोरेन को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। बता दें कि हेमंत सोरेन होटवार जेल भेजे जा रहे हैं। झारखंड के पूर्व CM को पूरी सुरक्षा के साथ होटवार जेल ले जाया जाएगा। उन्हें वहां अपर डिवीजन सेल में रखा जाएगा। जाहिर है, अब हेमंत सोरेन की रात जेल में ही कटेगी। PMLA कोर्ट में स्पेशल जस्टिस दिनेश राय ने दोनों तरफ की दलीलों को सुनने के बाद अपने आदेश सुरक्षित रख लिया है। झारखंड के 6 में से 3 CM को जाना पड़ा जेल। 4 साल तक सरकार चलाने के बाद कथित जमीन घोटाले में घिरे हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटना पड़ा है। 6 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, झारखंड में अब तक 6 मुख्यमंत्री बने हैं, इनमें से 3 गिरफ्तार भी हुए हैं। हेमंत सोरेन से पहले उनके पिता शिबू सोरेन और मधु कोड़ा गिरफ्तार हो चुके हैं। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास को ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा है। तीनों BJP के ही मुख्यमंत्री रहे हैं। बता दें, मुख्यमंत्री रहते हुए मधु कोड़ा भ्रष्टाचार के केस में फंस गए थे।
2006 से 2008 तक यूपीए के साथ गठबंधन सरकार चलाने वाले मधु कोड़ा को जेल जाना पड़ा था। भगवान बिरसा जैविक उद्यान में बिरू नामक शेर की मौत। भगवान बिरसा जैविक उद्यान में बिरू नामक शेर की गुरुवार की सुबह मौत हो गई। बिरू की उम्र 17 वर्ष थी। उसे 15 अगस्त 2019 को गुजरात के जूनागढ़ चिड़ियाघर से लाया गया था। उस समय उसकी उम्र 12 वर्ष थी। उससे पहले 3 दिसंबर 2023 को बाघिन सरस्वती की मौत हुई थी। बिरू की मौत के बाद जू में एक शेर शशांक और दो शेरनी जया और प्रियंका बची है। बिरू के शव की देर शाम काके के वेटनरी कॉलेज के डॉक्टर एम के गुप्ता, डॉक्टर संजीत कुमार और जू के डॉक्टर ओम प्रकाश साहू ने पोस्टमार्टम किया। बिरू की उम्र औसतन से ज्यादा हो गई थी। वह हमेशा बीमार रहता था। रांची होटवार जेल के कमरा नंबर 1 में बीतेगी हेमंत सोरेन की रात। झारखंड के पूर्व सीएम व झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन का नया ठिकाना होटवार जेल के अपर डिवीजन सेल के ब्लॉक बी में कमरा नंबर 1 है। ईडी कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें गुरुवार को सीधे होटवार जेल लाया गया। उनकी रात यहीं बीतेगी। वहीं जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि 31 जनवरी को लंबी पूछताछ के बाद जमीन घोटाले में ईडी की टीम ने उन्हें रात में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें ईडी ऑफिस में रखा गया था। इसके बाद उनकी पेशी ईडी कोर्ट में की गई थी। रिमांड पर दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। शुक्रवार को रिमांड पर अदालत फैसला सुनाएगी। बोकारो में असरदार रहा झारखंड बंद। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आदिवासी संगठनों में आक्रोश है। गिरफ्तारी के विरोध में 1 फरवरी को समस्त आदिवासी मूलवासी संगठन ने झारखंड बंद का ऐलान किया। गुरुवार सुबह राज्य के कई जिले समेत बोकारो में भी बंद का असर रहा। हालांकि कुछ ऐसे भी जिले रहे जहां बंद बेअसर रहा। बोकारो के ललपनिया स्थित अघनो मांझी चौक के पास गुरुवार के अहले सुबह आदिवासी मूलवासी अधिकार मंच बोकारो जिला इकाई ने टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया। वहीं ललपनिया के मार्केट स्कूल पूरी तरह बंद है। सड़क जाम से ललपनिया गोमिया और ललपनिया नया मोरमू के पथ में आवागमन बाधित हुआ। इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा चुनाव जीतने के लिए सभी को डाल रही जेल, ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नदिया के शांतिपुर में प्रशासनिक सभा के दौरान झारखंड में अपने समकक्ष हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रही है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कराने के पीछे भाजपा की बड़ी साजिश है। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन से कई घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। भाजपा का ईडी और सीबीआई का खेल सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही चलेगा। भाजपा की सरकार के जाने का वक्त आ गया है। भाजपा चाहे कुछ भी करे, दिल्ली में इस बार सरकार हम ही बनाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा का सफाया कर देगी। सुबह की बारिश ने बढ़ा दी ठंड। झारखंड की राजधानी रांची समेत पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य झारखंड के कई हिस्सों में गुरुवार की सुबह सुबह हुई बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। खूंटी में 3.5 मिलीमीटर और गुमला जिले के भरनों में 2.2 मिलीमीटर वर्षा हुई है। आने वाले दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई। बता दें, रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया है कि बुधवार से ही आसमान में बादल थे। इसकी वजह से पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य झारखंड के कई हिस्सों में बारिश हुई है। चंपई सोरेन की सरकार में होंगे कई बदलाव। राज्य में चंपई सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार बनती है तो बढ़ावा मंत्री भी होना तय माना जा रहा है। साथ ही वर्तमान मंत्रियों में बदलाव भी हो सकता है। वर्तमान में कुछ मंत्रियों की कुर्सी छीन सकती है। हेमंत सोरेन की सरकार के पूरे कार्यकाल में 11 मंत्री ही रहे तथा बढ़ावा मंत्री का पद रिक्त रहा। बता दें, चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें उतने विभाग नहीं दिए जा सके। ऐसे में पूरी संभावना जताई जा रही है कि नई सरकार में बढ़ावे मंत्री बनाकर कुछ विभाग उन्हें दिया जा सकता है। मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं, हेमंत सोरेन का भावुक संदेश। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने कल ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी से पहले प्रदेश की जनता को संदेश दिया। उन्होंने इस दौरान भाजपा सरकार पर आदिवासियों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया। हेमंत सोरेन ने कहा है कि संभवतः ईडी मुझे गिरफ्तार करेगी, लेकिन मुझे चिंता नहीं है क्योंकि मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं। संघर्ष हमारे खून में है, हम संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। उन्होंने मुझे उन मामलों को गिरफ्तार करने का फैसला किया जिनका मुझसे कोई संबंध नहीं। हेमंत सोरेन ने कहा है कि अभी तक उनके पास कोई सबूत नहीं मिला है।
उन्होंने मेरे दिल्ली आवास पर छापेमारी कर मेरी छवि खराब करने की भी कोशिश की। ईडी के हाथों गिरफ्तार होने वाले पहले सीएम हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पद पर रहते हुए इस्तीफा दिलाने के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई भ्रष्टाचार में घिरे कुछ पूर्व मुख्यमंत्रियों पर पहले कार्रवाई कर चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चित मामला बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद का रहा है, जिन्हें चारा घोटाला मामले में गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई को 1997 में सेना की मदद लेनी पड़ी थी। बता दें, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था और वह पद छोड़ने को तैयार नहीं थे। ऐसे में काफी हंगामा मचा था। अंततः उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। चारा घोटाले में लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने वाले सीबीआई की याचिका पर दूसरी बेंच करेगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद सहित अनेक की सजा बढ़ाने को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को आंशिक सुनवाई की। जस्टिस रत्नाकर भेगरा व जस्टिस अम्बुजनाथ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए इसे दूसरी सक्षम बेंच में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया। ये मामला देवघर कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित है। सीबीआई की ओर से इस मामले में लालू प्रसाद सहित 6 सजायाफ्ताओं की सजा बढ़ाने की मांग की गई। इस मामले में लालू प्रसाद को 3.5 साल की सजा सीबीआई की विशेष अदालत से मिल चुकी है। वहीं 6 सजायाफ्ता में से फुलचंद सिंह, आर के राणा समेत 3 सजायाफ्ताओं का निधन भी हो चुका है। धन्यवाद।